अगर जिंदगी भर पोर्न के दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है तो आज मेरी बात को कान ध्यान और मन लगा के सुनना। दोस्तों इमेजिन करो कि आपने अपने घर में या घर के आसपास कहीं एक बीज बोया और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा पेड़ बन गया है। अब अगर आपको उसे काटना पड़ा तो आप 100 बार सोचेंगे। चलिए 100 बार न सही, कम से कम 2 बार तो सोचेंगे ना। एक पेड़ काटने के लिए आप 2 बार सोचते हैं, पर आपके शरीर में जो सबसे कीमती धातु है उसे बहाने से पहले आप एक बार भी नहीं सोचते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर्य की, जो कि शरीर का अति कीमती द मोस्ट इम्पोर्टेंट धातु है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने धातु क्यों कहा, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड, सिल्वर, हीरे, मोती ये सब के सब एक धातु है जिसे हम कभी भी खरीद सकते हैं, पर दोस्तों हम वीर्य बाहर से खरीद के अपने शरीर में नहीं डाल सकते। इसीलिए पोर्न देखने के बाद या बिना कपड़े वाली लड़कियों को देख के हमें पागलों की तरह वीर्य नहीं बहाना चाहिए। लाइफ में सक्सेस होने के लिए गोल बनाने की बात तो हर कोई करता है, पर मेरे दोस्त गोल अचीव करने के लिए जो फोकस चाहिए वो कहां से लाओगे? मेरा ओपन चैलेंज है आपको, कोई भी मोटिवेशनल बुक उठा के देख लो, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या फिर कोई भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी देख लो, 99.9% उन बुक्स में या फिर उन वीडियोस में मेडिटेशन पे काफी जोर दिया होगा, क्योंकि मेडिटेशन से आपका फोकस इतना खतरनाक हो जाता है कि मेरे पास ये समझाने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मेडिटेशन से आपकी पोर्न की लत भी छूट जाती है, पर एक भी बुक में या वीडियो में आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं तो सक्सेस होने के लिए दिन में एक बार या हफ्ते में 4 बार हस्त मिथुन करता था, ये कोई सफलता का राज नहीं है। क्या आपको आपके एक बूंद वीर्य की कीमत पता है? अब कुछ पोर्न लवर ये भी कहेंगे कि भाई पता है, स्पर्म बैंक में 2,000 से 5,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे लोग खुद ही अपनी कब्र खोदते हैं, क्योंकि जो चीज आप इतनी छोटी सी रकम में बेच देते हैं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक एक्सपेरिमेंट से सामने आया है कि आपके वीर्य में तकरीबन 90% पानी होता है, लेकिन 10% ऐसे तत्व होते हैं जो आपके दिमाग को एक तेज दिमाग बना सकते हैं। यूं समझ लो कि वो तत्व आपके दिमाग का अत्यंत जरूरी खाना है। सदियों पुराने आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि जब भी वीर्य आपके शरीर में ऊपर की तरफ जाता है तब वो दिमाग को कई 1,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। पर दुनिया में कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि ये बात उनकी समझ में आती ही नहीं। ये भी हो सकता है कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ तो वीडियो देखने तक पूरे जोश में रहेंगे कि आज से मैस्टरबेशन नहीं करूंगा, हस्त मिथुन नहीं करूंगा, पोर्न नहीं देखूंगा। पर जैसे ये वीडियो खत्म होगी बैक टू अस यूजुअल, ऐसे लोगों को अपनी माँ या बहन का जन्मदिन याद नहीं होगा, पर मियां खलीफा और सनी लियोन की बर्थ डेट जरूर याद होगी। अगर आप एक मिलेनियल है, यानी कि आप आज की मॉडर्न जनरेशन है, तो आप शायद ये धार्मिक या फिर आध्यात्मिक बातों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, पोर्न नहीं देखनी चाहिए वगैरह वगैरह। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के फेमस सक्सेसफुल लोग आध्यात्मिक रास्ते पे चल के ही अपनी लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बने हैं। आपने एप्पल के सीईओ एंड फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स खुद भी आध्यात्मिक दुनिया को जानने और समझने इंडिया आए थे, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में एप्पल के नाम का डंका बजता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि असली प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम सबको लगता है सेक्स या फिर फिजिकल रिलेशन बनाना बुरी चीज है, और इसीलिए हम पोर्न देख के हस्त मिथुन करने के बाद बुरा फील करते हैं। अपने पति या पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। पर हमारे मन में जो ये विचार डाल दिया गया है कि ये सब बुरी चीजें हैं, इसलिए हमें भी इन सब के बाद पछतावा होता है। कई लोग शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुछ लोग अपने होने वाले बच्चों को तेजस्वी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, और कुछ तो अपने प्रोफेशन के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। और मैं ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप किसी भी बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू देखे जो किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाने की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई कॉम्पिटिशन जीत चुका हो, वो खुद ये कहेगा कि उसने बॉडी बिल्डिंग के लिए हस्त मिथुन छोड़ दिया था। फिर अगर वो शादीशुदा होगा तो कहेगा कि मैंने अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त के लिए फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए। और कई सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पास आउट आपसे ये भी कहेंगे कि भाई शरीर में वीर्य बन रहा है तो उसे निकालना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रात को बेड पे बाढ़ आ जाएगी। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आपको ब्रह्मचर्य और इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहे जो आपको ऐसी सलाह देते हैं। उनको अपनी जिंदगी में हस्त मिथुन के अलावा और कुछ करना ही नहीं है। ऐसे लोग खुद तो अपनी जिंदगी जहन्नुम बना लेंगे, पर साथ ही आपकी जिंदगी भी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात आप एक कागज पे लिख के दीवार पे चिपका दो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट
मोटिवेट, निराश या दुखी नहीं होता। जबकि हस्त मिथुन करने वाला इंसान सिर्फ कुछ सेकंड के बाद ही सोचने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, अब कल से बिल्कुल नहीं करूंगा। आप लोग ही बताएं कि आप हस्त मिथुन के बाद पछताते हो या नहीं। देखो, आज की दुनिया में लोग झूठ को सच बना के आपके सामने रख देते हैं, पर अगर 1000 लोग मिलके भी एक झूठ 1000 बार दोहराएंगे तो वो सच नहीं हो जाएगा। आपको इन झूठे लोगों से, इनके बनावटी जिंदगी से बच के रहना है। आज ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं अब से अपने वीर्य को इसे गंदे नाले में कभी नहीं बहाऊंगा। ये मेरा शरीर है और मैं अपने शरीर को तेजस्वी, ओजस्वी और शक्तिशाली बनाऊंगा। अब चाहे मेरे सामने कोई भी आके कुछ भी कहे, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा, ना कि इन बनावटी लोगों की। देखो, यकीन करो, अगर आपने ये सारी बातें दिल से बोली तो आप अपने शरीर में एक करंट महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा मानो जैसे आपके बॉडी में एक एनर्जी ने जन्म ले लिया है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ अच्छा सोचने भर से आपकी बॉडी इतना अच्छा फील कर रही है, तो जब आप हस्तमैथुन छोड़ के एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में कितने बढ़िया चेंज आएंगे। आपके लिए कोई भी चीज इम्पोसिबल से पॉसिबल हो जाएगी। और जब आप अपने फील्ड में टॉप पे होंगे तो आपके दिल से एक आवाज आएगी कि अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन हस्तमैथुन छोड़ने का फैसला कर लिया था। तो जरा सोचो, अब वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आने वाली सुनहरी सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब से तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे वीर्य पे तुम्हारा हक है। गंदे से गंदा विचार भी अगर अपनी पूरी ताकत लगा ले फिर भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब उठो मेरे शेर, अब तुम दुनिया जीत सकते हो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।